डियर कस्टमर्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ ये टॉयलेट फीडबैक मशीन का वीडियो है और ये किस तरह से ऑपरेट होती है, क्या इसके फीचर्स हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी आज शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये एक ब्लूटूथ के थ्रू ऑपरेट होने वाली फीडबैक मशीन है। सारा डाटा आपको ब्लूटूथ के थ्रू दिखाई देगा और ब्लूटूथ पे डाटा देखने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ब्लूटूथ प्रो करके जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना होगा। नीचे से आप देख सकते हैं रेड एप्लीकेशन के बगल में जो एप्लीकेशन है ये ब्लूटूथ प्रो ऐप है। मैं आपको इसको ऐप को खोल के दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से ऑपरेट होता है। सबसे पहले क्लिक करना है ऐप को, ये ऑटो स्कैन पर चल रहा है, आप चाहें तो इसको मैनुअली भी स्कैन कर सकते हैं। स्कैन होने के बाद में जो हमारी डिवाइस का नाम है आपको दिख रहा होगा, सेकंड वाला हमारी डिवाइस का नाम है HC-05, इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट लिखा आ रहा है, कनेक्ट हो गया है, ये हमारी एप्लीकेशन डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गई है। अब मैं आपको मशीन में दिखा देना चाहता हूँ कि मशीन में तीन तरह के स्विच लगे हुए हैं, एक ग्रीन कलर का है जो गुड है, येलो वाला एवरेज है, रेड वाला डर्टी है। अब मैं ग्रीन स्विच को प्रेस कर रहा हूँ, ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, आप देख पा रहे होंगे ऐप के अंदर एक्सीलेंट लिखा आ गया, एक्सीलेंट वही गुड। अब दूसरे स्विच को प्रेस करने के लिए 2 मिनट का टाइम लगेगा, 2 मिनट का ब्रेक हमें देना होगा। और ये 1 से 2 मिनट के टाइम के बाद में मैं ये येलो वाला स्विच प्रेस कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे क्लीन लिखा आ गया। अब मुझे फिर से वही येलो से अब मैं रेड बटन को प्रेस करूँगा, उसके लिए मेरे को फिर से इसे 1 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। 1 मिनट का टाइम हो गया, 1 मिनट के बाद में मैं रेड स्विच को प्रेस कर रहा हूँ, रेड लाइट जल गई है। ऐप में आप देख सकते हैं डर्टी लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह से ये टॉयलेट फीडबैक मशीन काम करती है और इसका सारा डाटा हमें इस ऐप पे दिखाई देता है।